वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ठेंग चैनल पे। जैसे कि हमने एक सीरीज चालू की कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चालू है हमारी अभी, तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सबसे मेन बच्चों आपका यहाँ पे बता दूँ कि ये सवाल है ना एज इट इज उठा के इधर है, मतलब ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के जो सिमिलर क्वेश्चन है वही उठाए गए। आपको लगेगा सर पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो हमारे क्या काम के, नहीं, मैंने क्या किया है कि इसमें जो सवाल है वो सवाल आपको, जो सवाल आपके काम के हो 2021 के लिए हो यही उठाए, और जो डिलीटेड हो चुका है सिलेबस उसमें से मुझे कट करके, मतलब जो पास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है इस साल नए सिलेबस में नहीं, उसके क्वेश्चंस नहीं उसमें। तो डोंट टेक टेंशन, है क्वेश्चंस करना है आपको कोई भी हालत में, 18 क्वेश्चंस बच्चों, और आपको नीचे भी क्वेश्चन दिए हैं मैंने, तो इसलिए थोड़ा बना के रखना है इस पे। तो आगे बढ़ते रहते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस के ऊपर आपके लिए क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, अज्यूमिंग द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस शो द RMS वैल्यू velocity of the gas molecule directly proportional to the square root of the absolute temperature, ठीक है 2009 में सवाल है। ऑन द बेसिस ऑफ KTG derive the expression for pressure exerted by a gas, 2010 में सवाल, चार मार्क के लिए आ चुका है। डिफाइन द RMS velocity, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RMS, देखो इसके पहले पहला क्वेश्चन है, देखो वही क्वेश्चन है कि नहीं यार, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन सिमिलर है। अब बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि RMS velocity निकालनी है, यहाँ पे भी RMS velocity, मतलब क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है, हाँ उसको बांट रहे, बाकी कुछ ही नहीं, उसको अलग कर रहे, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग तो है ना एक ही। नेक्स्ट है चौथा नंबर का, परफेक्टली ब्लैक बॉडी ड्रॉ द लेबल डायग्राम, सवाल करना ही ये चैप्टर से परफेक्टली ब्लैक बॉडी और ग्राफ का, दो सवाल अगर आप लोग करोगे तो 100% आपको दो मार्क मिलेंगे इस बात को। देखो ग्राफिकली स्पेक्ट्रम एनर्जी, देखो यही बोल रहा हूँ, चौथा और पांचवी नंबर के जो क्वेश्चन है इसकी डायग्राम दिमाग में भरनी है और करनी है, श्योर एंड शॉर्ट आपको ये सवाल आने वाला है बच्चों, गारंटी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ये एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ। डिफाइन द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिलेशन निकालना है, मतलब A+T+R=1 है ना, ये भी निकालना है आपको, 2010 में दो बार सवाल आ चुका है। डिफाइन द परफेक्टली ब्लैक बॉडी, रियलाइज द प्रैक्टिस, ठीक है। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टेपन्स लॉ, ये लॉ के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। देखो प्रूफ द क्रिचअप्स लॉ रेडिएशन एंड प्रूफ थेरोटिकल, ये भी सवाल, देखो इस सवाल करने ही करने हैं कोई भी हालत में। ड्रॉ द लिम्बल डायग्राम, ऑलरेडी ये सवाल मैंने बोला था आपको कि पांच नंबर के क्वेश्चन में आ चुका है, तो क्यों करेंगे हम लोग दोबारा करेंगे, तो अच्छी करेंगे, डबल नहीं करना है खाली बस। एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रिलेशन स्पेक्ट्रम टर्म वॉल्यूम, RMS वेलोसिटी, देखो पहले भी क्वेश्चन है अभी भी सेम क्वेश्चन से पहले नंबर का, ठीक है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिकुलर स्पीड नेसेसरी ग्राफ, ये भी निकालना है। लेबल डायग्राम परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ऑलरेडी आपने तीन नंबर का सवाल देखा था, वही सवाल है आपका, नहीं तीन नहीं चार नंबर का है सॉरी, ठीक है। डिफाइन द इमिसी पावर कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिसी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, वही वही सवाल है बच्चों, मतलब इसमें 10 ही क्वेश्चंस करना है और वो सवाल बहुत छोटे छोटे सवाल है। डिफाइन कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, कि QA/Q, QT/Q, मतलब कितने में से कितनी ऑब्जर्व कर रहे, कितने में से कितनी रिफ्लेक्टर, कितने में से कितनी ट्रांसमिट कर रही, ये सवाल होते हैं, बहुत सिंपल है, आपको लग रहा है इतने सवाल है लेकिन बहुत दो दो लाइन के कुछ सवाल है। RMS वाला से डिफाइन, डिफाइन लिखनी ओनली, डिफाइन छः नंबर का क्वेश्चन वही है, ओनली डायग्राम ड्रॉ करना है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से कर लो अच्छी तरह से, इसके 100% आपके मार्क्स बन जाएंगे। ये आपके लिए है न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे, तो इस न्यूमेरिकल को भी अच्छी तरह से करना, इसके साथ में एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करना, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल बार बार आते हैं और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछते हैं, तो आपके जो टेक्स्ट बुक है जो बाल भारती की या हम लोग महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो दी है उसके न्यूमेरिकल अच्छी तरह से करेंगे ताकि आपके इसमें भी नंबर सिक्योर हो जाए। तो चलो बच्चों, महाराष्ट्र के हर बच्चे तक आपको पहुँचना है, शेयर करना है और लाइक करना है, तो चलो बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।